सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट जेरोमीज चार्जेबल गेन फॉर द टैक्स ईयर 1920. यू शुड इग्नोर इनहेरिटेंस टैक्स 7 marks. फॉर ईच ऑफ द 4 रेसिपिएंट ऑफ एसेट गिफ्टेड फ्रॉम जेरोमी स्टेट देयर रेस्पेक्टिव बेस कॉस्ट फॉर सीजीटी पर्पस. 10 marks क्वेश्चन. जेरोमी made following gift to family members during tax year 1920. IST उसने ignore करवा दिया, वरना अगर family members को कोई gift किया जाता है तो उसके ऊपर IST के consequences होते हैं, PAT, और PAT की फिर calculation further हमें करनी पड़ती है, वो हमें सवाल में ignore करनी है. अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 1 सेज दैट आपके पास 28 मई 2019 को जेरोमी ने एक गिफ्ट किया है हाउस का, जिसकी वैल्यू थी 1,80,000 टू हिज वाइफ. जेरोमीज अंकल हैड ओरिजिनली परचेज द हाउस फॉर 45,900. द अंकल डाइड ऑन 12 जून एंड द हाउस वाज इनहेरिटेड बाय जेरोमी. ऑन दैट डेट द हाउस वाज वैल्यूड एट 1,12,800. जेरोमी हैज नेवर ऑक्यूपाइड द हाउस एज हिज मेन रेजिडेंस. सो ये इसका मेन रेजिडेंस नहीं है. अच्छा, जेरोमी ने ये जो किया है ये गिफ्ट किया है ना, तो अगर हस्बैंड टू वाइफ गिफ्ट होता है तो नो सीजीटी कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन वाइफ के लिए बेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. बेस कॉस्ट क्या होगी? बेस कॉस्ट क्या होगी? जो उसके लिए मार्केट वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ हाउस वॉज इनहेरिटेड. तो बेस कॉस्ट उसकी वाइफ के लिए व्हेन द हाउस वॉज इनहेरिटेड वॉज 1,12,800. सो गेन तो कुछ भी नहीं होगा, बेस कॉस्ट हमने उसकी वाइफ के लिए बता दी. नेक्स्ट, ऑन 24 जून जेरोमी मेड अ गिफ्ट ऑफ हिज एंटायर 12% होल्डिंग ऑफ 12,000 in reward limited an unquoted company to his son. The market value of the shares on that date was 98,400. Gift of shares. Shares had been purchased on 15 March 2019 for 39,000. This is the cost. Market value of chargeable asset was this one, of which 4,60,000 was in respect of chargeable business asset. Jeremy and his son have elected to hold over the gain on this gift of a business asset. So, ये basically gift relief की बात की जा रही है इसके ऊपर. तो gift relief के लिए हम पहले gain calculate करेंगे. तो हमारे पास sale proceed जो थी वो तो थी नहीं, तो हम deem proceed लेंगे. Deem proceed थी market value of the shares 98,400. उसकी original cost थी 39,000. और आपका गेन बिफोर रिलीफ आ गया 59,400. तो ये रिलीफ का सवाल, रिलीफ का पार्ट है, होल्ड ओवर रिलीफ का पार्ट. अच्छा जी, होल्ड ओवर रिलीफ हमने ये पढ़ा था कि अगर शेयर्स ट्रांसफर किए जाएं और उस कंपनी के पास चार्जेबल नॉन बिजनेस एसेट्स हों, तो जो गिफ्ट रिलीफ होता है वो हेल्ड ओवर हो जाता है. तो हेल्ड ओवर रिलीफ, जो गिफ्ट रिलीफ होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो गिफ्ट रिलीफ इसमें से निकालना है और बाकी गेन जो होगा वो चार्जेबल हो जाएगा. तो इसकी कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे चार्जेबल की? इसके पास चार्जेबल बिजनेस एसेट्स हैं 4,60,000 के, टोटल एसेट्स हैं 5,40,000 के. तो 59,400 मल्टीप्लाई बाय CBA चार्जेबल बिजनेस एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल चार्जेबल एसेट्स, दैट इज 5,40,000. तो ये जो गेन आएगा, ये गेन इसका गिफ्ट रिलीफ मिल जाएगा इसे 50,600. सो 50,600 इसे गिफ्ट रिलीफ मिल जाएगा. सो अगर गिफ्ट रिलीफ 50,600 है तो चार्जेबल गेन कितना होगा? चार्जेबल गेन इज द रेजिड्यू 800 is the chargeable.
पहला पार्ट हस्बैंड एंड वाइफ ट्रांसफर, दूसरा पार्ट होल्ड ओवर रिलीफ का पार्शल का केस, तीसरा सवाल। पॉइंट नंबर थ्री, ऑन 7th नवंबर 2019 जेरोमी मेड अ गिफ्ट ऑफ एन एंटीक आइटम वैल्यूड एट 12,200 टू हिज ग्रैंड डॉटर। The antique has been purchased on 1st September 2004 for 2,100. So this is a chattel. और chattel के rule ये कहते हैं कि अगर 6,000 से ज़्यादा उसकी value हो cost और selling price तो उसके ऊपर हम gain calculate करते हैं, और अगर 6,000 से ज़्यादा हो selling price और cost 6,000 से कम हो तो फिर gain जो होता है वो restrict हो जाता है। So third one is chattels where selling price is greater than 6,000 and cost is less than equal to 6,000. तो हम इसकी selling price ले लेंगे, selling price आ गई इसकी 12,200 और इसकी जो cost होगी उसकी हमें working करनी पड़ेगी, sorry gain की working करनी पड़ेगी, cost is 2,100, normal gain निकाल लें, normal gain बनता है 10,100। 10,100 के बाद आपको रिस्ट्रिक्टेड गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला था 5/3 मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रोसीड माइनस 6,000, उससे आंसर आता है 10,333। तो इसका मतलब है आप जो टैक्स देंगे वो ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर टैक्स देंगे, यानी कि 10,100 के ऊपर टैक्स देंगे। और जो ब्रेसलेट जो गिफ्ट किया गया है उसकी बेस कॉस्ट वही बनेगी जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। फोर्थ, ऑन 29th of January जेरोमी मेड अ गिफ्ट ऑफ 9 acres ऑफ लैंड वैल्यूड एट 78,400 टू हिज ब्रदर, originally purchased 10 acres of land for 37,800. The market value of the unsold acre of land was 33,600. The land has never been used for business purpose. So, यहाँ पर ये जो केस है फोर्थ वाला, ये पार्ट डिस्पोजल का केस है, तो हमें पार्ट डिस्पोजल में चार्जेबल गेन निकालना है, उसके लिए हमने a प्लस बी वाला एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। सो पार्ट डिस्पोजल ऑफ लैंड, पार्ट डिस्पोजल, तो डिस्पोजल प्रोसीड 9 acres ऑफ लैंड की हमारे पास जो आ रही है वो है 78,400 और कॉस्ट थी 37,800 की। सो सेल प्रोसीड इज 78,400 और कॉस्ट हमें इसकी कैलकुलेट करनी है चार्जेबल गेन निकालने के लिए। मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इज 33,600, फ्रैक्शन इज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन ए प्लस बी। So, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास 37,800, मार्केट वैल्यू ऑफ द अमाउंट डिस्पोज्ड ऑफ 78,400, 78,400 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लैंड एंड दैट इज 33,600। तो ये इसका फ्रैक्शन बन गया जिसपे कॉस्ट एट्रीब्यूट हो जाएगी and the answer is 26460. And the gain is 51940. So this is the
गेन ऑन पार्ट डिस्पोजल। अब जिसको गिफ्ट दिया गया है उस गिफ्ट वाले के लिए जो बेस कॉस्ट थी पहले वाले की हमने निकाल ली थी, दूसरे वाले की बेस कॉस्ट जो हमने दी थी उसमें से सेकंड वाले को जो हमने 98,400 मार्केट वैल्यू थी सेकंड वाले की, सो मार्केट वैल्यू वाज 98,400 और गिफ्ट रिलीफ उसमें से माइनस हो जाएगा। तो बेस कॉस्ट निकालने के लिए गिफ्ट रिलीफ हमारा था 50600, तो ये दूसरे वाले की बेस कॉस्ट बन गई 47800। और तीसरे वाले केस में जो एंटीक उसने उसको भेजा था उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एंटीक आइटम की वो थी 2100 और उसकी मार्केट वर्थ थी 12200 जिस वक्त गिफ्ट किया गया था। तो बेस कॉस्ट इज 12200 और पार्ट डिस्पोजल में जो 9 acres लैंड गिफ्ट की गई थी उसकी मार्केट वर्थ थी 78400, तो उसकी बेस कॉस्ट उसकी मार्केट वर्थ हो जाएगी 78400। अच्छा जी, यहाँ मैंने ये प्रोसीड लिखनी चाहिए थी मार्केट वैल्यू नॉट सेल। चले जी, एक सवाल हमारा इंडिविजुअल